ये जो तीसरी डिवाइस है ये भी इसी मशीन से कनेक्ट होगी, मतलब टैबलर मशीन से, होस्ट मशीन से, जो जिसे हम इसका डाटा भी इसी पे एनालाइज करेंगे और इसको केबल से कनेक्ट करेंगे, एक साइड से यहाँ कनेक्ट होगी, दूसरी साइड से जहाँ, तो केबल अभी हम एक साइड से कनेक्ट करेंगे इसको, जहां पहली मशीन ने बताया था वही पानी निकला है मखन जी? नहीं नहीं, जो लास्ट में बताया था हमें। अच्छा, अब वही जा रहे हैं अभी। अभी जहां हम तीसरा पॉइंट है जो है ना, तीसरा पॉइंट जो था वहां पे जा रहे हैं हम, जहां तो फिट कर रहे हैं इस मशीन को, तो इलेक्ट्रोड को हम खोल लेंगे, अभी इनका काम हो गया है, तो इसके लिए अलग इलेक्ट्रोड लगेंगी जो जो डाटा कलेक्ट करेंगी, हर 15 मीटर का वो डिटेल देगी उसमें, जैसे पहले 15 मीटर का डाटा अलग आएगा, दूसरे 15 मीटर का डाटा अलग आएगा, तो वही चलते हैं जो पॉइंट हमें सक्सेस पॉइंट मिला है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हमें डाटा जो मिला है 0 से लेके 2 मीटर तक मिला है, इसमें जो अच्छा पानी है यहाँ तक, तो इसको हम सेंटर पे लेंगे, जैसे 1 मीटर हुआ यहाँ पे, तो इन इलेक्ट्रोड में जो गैप होगा वो 1 मीटर का गैप होगा, मीटर मीटर का गैप होगा। तो आप बता सकते हैं इसमें कितना फुट नीचे आता है पानी? हाँ बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल, वो सभी डिटेल हमारे पास कलेक्ट हो रही है, वो अभी आपको भी बता देंगे। जो हमारा बस लास्ट डिवाइस है जिससे पता चलेगा उसका एनालाइज हो रहा है, तो यहाँ पे टिप जो सिलेक्ट की है 150 मीटर ही किया हमने, अभी ये रिकॉर्डिंग कर रही है, इसमें 10 मिनट का टाइम लेगी है। ये अभी जो रिकॉर्डिंग शो कर रही है तो ये डाटा रिकॉर्ड कर रही है, जैसे पहले 15 मीटर का होगा, फिर नीचे वाला 30 मीटर तक, 15 से लेके 30 तक, उसके बाद 30 मीटर से 45 मीटर, मतलब 45 मीटर से 60 मीटर, ऐसे करके ये पूरी हमें अलग डाटा देगी 15 मीटर का। अभी हमने पीछे सुना कि अपने नीलो मास्टर जी ने दो जगह बोर करवाया और ड्राई गया। मिट्टी सूंघने वाले आते हैं कुछ लोग, वो किसानों को बेवकूफ बना के चले जाते हैं, तो हमें पता चला तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ वो अंदाजे से बताता है ऐसे करके, यहाँ 3 इंची पानी, यहाँ 4 इंची पानी, तो वो उसकी कहने पर उसने खर्च कर दिया, बोरिंग मशीन मंगवाई और 250 फीट तक गए, पानी की बूंद नहीं मिली। तो हमें जब ले गया वहाँ पे, तो हमने पहला फर्स्ट जो प्रोसेस होती है हम उससे लोकेटर से चेक किया, तो वो लोकेटर वहाँ पे जा ही नहीं रहा था, मशीन को हम पकड़ के ले गए, तो तब भी वहाँ वो मशीन राइट साइड घूम गई, तो फिर हमें वहाँ प्लाट जो मिला राइट साइड उसके घर के आगे था, तो बोलने लगा ठीक है पानी चाहिए तो घर के आगे बोर करवा लेंगे, तो फिर हमने उसको पॉइंट दिया है, मतलब पूरा चेक करके पॉइंट दिया है, जैसे लोकेटर से लोकेट किया है, ग्राउंड डिटेक्टर से ग्राउंड स्कैन करके दिया है, आईपी सर्वे भी करके दिया है, तो तीनों प्रोसेस करके उसको हमने फाइनली डिसीजन करके एक पॉइंट दिया है। तो अभी कल शायद मशीनें आ रही हैं बोरिंग की,
तो उसका भी हम लाइव डेमो दिखाएंगे, वहां से हम लाइव वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो आप सभी देखना कि हमारा फर्स्ट रिजल्ट कैसा आ रहा है। जो किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत की बात है कि बोरिंग करवानी है तो सटीक जानकारी होगी जहाँ पे पानी है, तो इन मशीनों का मैं मक्खन जी बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। जे किसान और जो भी बोर करवाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी मशीनें हैं, ये तीन मशीनों से मक्खन जी चेक करते हैं, और कल जब मशीनें आएंगी तो हम वहाँ भी आपको वीडियो बना के दिखाएंगे कि जो पॉइंट इन्होंने दिखाया था वहाँ पानी निकलता है या नहीं निकलता है। तो अगर निकलता है तो कहने का मतलब है कि ये बहुत ही अच्छी बात है मक्खन जी ने जो ये मशीनें लाई हैं, इतना खर्चा किया है, अगर इसका सटीक रिजल्ट आता है तो हम तो सारे इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतना खर्चा किया। और ये जानकारी बोर करवाने से पहले ही आपको पता चल जाती है कि जहाँ पे पानी है या नहीं है। डाटा भी आ गया है, तो ये हमारी बल्क डायनेस्टी की रिपोर्ट है, तो इसको कैमरे में फोटो हो गया। तो अभी नेक्स्ट जो है बैटर नेस्टी का वो डाटा वो भी आ गया, तो आप ये भी क्लिक कर लीजिए। और इससे क्या पता चलता है कि उसका भी हम पहले आप सारे पीडीएफ ले लो फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी लो आइए। तो लास्ट जो है हमारा डाटा जो है वो सैलिनिटी का है, जो खारापन होता है वो कितने मीटर पे कितना खारा होगा पानी, उसकी डिटेल। अच्छा, इसमें पता भी चल जाता है कि खारा पानी है मीठा पानी। हाँ, है वही इस मशीन के। अच्छा। कितने प्लस पॉइंट है कि आपको बताएंगे तो उसमें भी टाइम लगेगा, कितने पॉइंट है इसमें, तो उसके गुण बताते बताते टाइम लगेगा, इतने गुण है इस मशीन में। तो अभी जहाँ बारिश पड़ रही है तो हम मशीनों को बताते हैं, तो इसको अंदर जाके एनालाइज करेंगे। फाइनली मशीनें हमने डिस्कनेक्ट कर ली हैं, तो वहाँ छत के नीचे जाके इसको एनालाइज करते हैं। जैसे ये लास्ट आया हमारा सैलिनिटी का, जो पहले 15 मीटर है, मतलब मान लो कि आप यहाँ पे 431.7 जैसा आ रहा है। हाँ, ये 31.7 आ रहा है पहले 15 मीटर का, मतलब 45 फुट 431 है, तो ये सैलिनिटी अच्छी है, कम है तो ठीक है ये भी। और उसके अगले 30 मीटर में जो सैलिनिटी है 286 है, तो जो उसके बाद 45 मीटर है लगभग 140 फुट की होगी वो है 643, तो उसके नीचे जो 60 मीटर का है तो ये है 588। हाँ, 588 है ये। तो इसमें जहाँ हमें जो है ना 45 का 30 मीटर है, जो 100 फीट वहाँ पे सैलिनिटी बहुत कम है, तो हम इस बोर को 100 फीट गहरा करेंगे तो यहाँ पे पानी हमें अच्छा मिलेगा। हाँ, पानी ऊपर से लेके नीचे तक अच्छा बोर सिलेक्ट हुआ है ये। अच्छा। तो इस बोर इतना अच्छा बोर है कि स्टार्टिंग से पानी होगा और लास्ट तक पानी देगा ये बोर, तो हमें इतना गहरा जाने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे फैक्टर जो है सैलिनिटी का वो भी अच्छा आ रहा है। तो जैसे पोलकट नेस्टी है वो भी यहाँ पे कम आ रही है। देखो, एक फैक्टर तो कम आ रहा है, दूसरा भी यहाँ पे अच्छा आ रहा है। दूसरा क्या है, बल्क डायनेस्टी इज लेस देन। क्या मतलब होता है बल्क? बल्क डायनेस्टी होती है जैसे कोई हार्ड चीज आ गई, जैसे पत्थर होगा तो उसकी बल्क डायनेस्टी ज्यादा होगी, जैसे रेत होगी तो उसकी बल्क डायनेस्टी कम होगी। तो हमें बल्क डायनेस्टी कम चाहिए क्योंकि उसी से हमें पानी मिलेगा, जैसे रेत होती है
जहाँ जो खोखली मिट्टी होती है उससे हमें अपजरी होगी या कुछ भी जिसमें गैप होगा, तो ये उसका एक अलग से होता है पोरोसिटी। पोरोसिटी भी एक गैप होता है। और आप जहाँ देखिए एक तीसरे फैक्टर में भी जो 100 फीट है जो 30 मीटर है वहाँ पे हमारी पोरोसिटी भी कम आ रही, मतलब अच्छी आ रही है, 40% है। और जो परमेबिलिटी है वो भी ठीक है, 0.29 है। तो ये सभी ठीक है वैसे, मिला जुला के ये पॉइंट 100 मीटर मतलब 30 मीटर मतलब 100 फीट तक हमारा बोर सक्सेस रहेगा, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे जाने की जरूरत है कोई। तो पूरा इससे किसान का बजट भी सेट हो जाता है कि मेरी पाइप कितनी लगेगी, बोर का क्या रेट है पर फिट के हिसाब से, तो उसको कास्ट का पहले से पता हो जाएगा कि मेरा इतना खर्च आ रहा है। तो अगर वो खर्च उठाने वाला होता तो हाँ भी सकता है, अपना आइडिया हो जाता है, लगभग बजट बन जाता है इस मशीन से और सही बोर भी मिल जाता है। तो जिस किसी ने भी मेरे भाई ने ये बोर चेक करवाना है तो हाँ नंबर बोल दो। हाँ वो हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे देंगे। तो वैसे नंबर जो हमारा 9999-76-2016। तो आप पंचायत प्रेता, आप जो है हमारा गांव मारता नगरोटा, तहसील बसोली, डिस्ट्रिक्ट कठुआ। तो हम ये नहीं है कि हम J&K में ही करेंगे, जैसे हमारे साथ लगा हुआ है पंजाब में कंडी क्षेत्र है तो वहां पे जाके हम भी पॉइंट डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे नियरेस्ट चंबा हो गया वहां भी हम जा सकते हैं। तो एक दूर वालों के लिए ये बात है कि जैसे किसी ने बोर सिलेक्शन करवानी है तो वो अपने गांव में पता कर ले, 3 या 4 बोर इकट्ठे करवाएगा तो हमारा उसको खर्चा थोड़ा कम पड़ेगा। जैसे सिंगल आदमी करवाएगा तो वो यहाँ से जाने में थोड़ा टाइम भी लगता है और खर्चा भी बढ़ता है। तो वैसे 5 आदमी इकट्ठा करेंगे या 3 आदमी इकट्ठा सिलेक्शन करवाएंगे तो उसमें खर्चा डिवाइड हो जाएगा, तो उनको सस्ता पड़ेगा। उपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल फ्रेंडली इनोवेशन पे आए और हमारा साथ दिया, साथ देने का बहुत बहुत धन्यवाद। मक्खन जी ने जैसे कहा, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें ताकि आम लोगों तक जो पहुंचे और इसका मशीन का सभी फायदा लें। जय हिंद।